जसगर की एक फाउंडेशन यानी शुरुआत हुई थी। मैं अभी उसी जगह पे हूँ और डबराल जी, श्री प्रसाद डबराल जी जिन्होंने इसकी नींव रखी थी, वो मेरे साथ में है। मैं उनसे पूछूंगा कि किस तरह से उन्होंने इसकी शुरुआत की। डबराल जी, मैं स्वागत करूंगा आपका जागो उत्तराखंड में। अभी मैं उसी स्पॉट पे हूँ, तो आप थोड़ा सा बताएंगे जब आपने शुरुआत की इसकी। अच्छा, धन्यवाद पंत जी। एक्चुअली ये जसगर जो है कोटद्वार से लगभग 15 किलोमीटर दूर है, और ये जो मेन हमारा नेशनल हाईवे है पौड़ी मुरादाबाद वाला, इस वाले जो नेशनल हाईवे है इसमें ये यहाँ से 3 किलोमीटर हटके है। इस समय हम लगभग 3500 फीट के एल्टीट्यूड पे खड़े हैं। तो हमारा क्या है कि जब मैं इस स्थान पे आया था, क्योंकि कहीं ना कहीं से मैं पर्यटन का शुरुआत करना था, तो यहाँ पर जमीन बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ थी। या तो ये जमीन जो आपको ये पीछे दिख रहा होगा, इस प्रकार की यहाँ पर चट्टाने थी, या आपको अगर उस वाले पार्ट को अगर आप देखेंगे तो जैसे वो बड़े बड़े आप पत्थर देख रहे हैं, बड़ी बड़ी सुरंगें, गुफाएं, इस टाइप से यहाँ पर था। तो सबसे पहले हमने क्या करा कि मेरा दो वो था, क्योंकि प्रकृति हमारा पहला जो उद्देश्य है वो है प्रकृति, प्रकृति के अंदर, नेचर के अंदर लोगों को ले जाना। दूसरा हमारा उद्देश्य है हेल्थ को लेके, कि हम प्रकृति के अंदर हमें एक प्राकृतिक चिकित्सा लोगों को प्रोवाइड कर सके, किसी भी नेचर के हिसाब से होगा तो अपने आप जो है। और तीसरा जो हम लोगों ने सोचा है, वो सोचा कि हम लोगों को साहसिक खेलों की तरफ ले जाएं। उसके लिए तो इस जगह में सिर्फ मतलब ये पूरी जमीन में, मैंने कल रात भी बताया था आपको कि हमने 6000 ट्रक से ज्यादा पत्थर तोड़े हैं। तो 6000 ट्रक पत्थर अपने हाथ से तोड़ना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। तो ये जमीन पूरी तरह से उबड़ खाबड़ थी, या आप यूं कह सकते हैं कि ये चट्टान के ऊपर जो पेड़ खड़े हैं, ये पेड़ों के बीच में जो है सिर्फ चट्टाने हुआ करती थी। तो सबसे पहले ये जगह हमारे पास थोड़ा सा लेवल था, इस जगह हमने एक टीन शेड बनाया था, वो मैं आपको फोटो वगैरह भी उसमें प्रोवाइड कर सकता हूँ। फिर टीन शेड बनाने के बाद में, तब हमने ये जो आप सामने ये झोपड़ी सी देख रहे होंगे, इसमें हमने रसोई वगैरह बनाई। उसके बाद हमने इसकी जमीन की लेबलिंग वगैरह शुरू करी थी। यहाँ पर जैसे पानी बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज था, पानी की सुविधा हमारे पास थी, बिजली हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, बिजली यहाँ तक लाना जो है, तो उन चीज़ों को भी हमने धीरे धीरे जोड़ना शुरू करा। तो यहीं से हम लोग चले थे। बाकी अगर आपको मैं इस तरफ दिखाऊंगा, हमने और क्या करा था कि पेड़ों को हमने कहीं पर नहीं छेड़ा, जितने भी हमारे पास पेड़ थे। अगर आप ये छोटी सी झोपड़ी का एग्जांपल लेंगे तो ये झोपड़ी यहाँ तक इसलिए बनाई गई कि आप ये देखेंगे पेड़ में जो है, ये पेड़ है, ये पेड़ है, ये पेड़ है, उधर भी पेड़ है, उतने पार्ट में हमने। अगर आप इस डोम हाउस पे नजर डालेंगे, अगर आप इसे देखें, इसमें आप बिल्कुल चिपकते हुए आपको चारों तरफ पेड़ है। तो पर्टिकुलर इतनी जगह बीच में खाली थी, हमने उसी जगह में उस डोम्स को बनाया। अगर आप इस डोम को देखेंगे, ये वाला जो आप डोम हाउस पीछे की तरफ देख रहे होंगे, आप देखिएगा कि उसका वॉशरूम छोटा है इस पर्टिकुलर डोम का। छोटा इसलिए कि इसमें तीनों तरफ पेड़ आ गए थे। हमने क्या करा कि पेड़ों के अंदर, क्योंकि हम पेड़ों से हम लोग हैं, 3000 पेड़ से ज्यादा हमारे पास में जसगर रिजॉर्ट के अंदर 3000 पेड़ों का जंगल है। उसके बावजूद भी लगभग हम अब तक 800 पेड़ यहाँ पर लगा चुके हैं। मैंने सिर्फ इस साल 250 पेड़ देवदार के लगाए हैं और 300 पेड़ हमने इस साल जो है नीम के लगाए। न सिर्फ जसगर में, जो बगल में हमारा गांव है, जिस गांव में जसगर स्थित है, उमरेला गांव में भी हमने 200 पेड़ नीम के लगाए। और अगले साल पिछले 3 सालों में लगभग हम 2500 पेड़ यहाँ पर लगा चुके हैं। तो धीरे धीरे प्रकृति के अंदर लोगों को जो है, अगर आप आगे देखेंगे तो ये जगह जो आपको दिखाई दे रही है, ये जो रास्ते हैं, तो रास्ते हमने क्या करके वही अपने जो पठाल, पुराने मकान जो टूटे हुए थे, उसी का पठाल लेके हम लोगों ने रास्ता बनाया है। कंस्ट्रक्शन पे हमने कम से कम कोशिश करा है कि हम ज्यादा बहुत ज्यादा इसको डिस्ट्रॉय न कर सके। आप अगर ये देखेंगे, जितने भी ये चट्टाने वगैरह दिख रही होंगे आपको, अभी आप देवदार का पेड़ देखेंगे, ये पिछले साल का पेड़ है। अगर आप इसकी हाइट देखेंगे तो ये देखिए आप, ये पूरा अगर आप इसकी हाइट देखेंगे तो ये लगभग 3 फीट अपना क्रॉस कर चुका है, जबकि देवदार के पेड़ को 3 फीट, अभी अगले साल तक ये 6-6.5 फीट तक 2 साल के अंदर अंदर ग्रोथ कर जाएगा। कारण क्या, हम लोगों का खाद का प्लांट है, केंचुआ पालन का हम लोगों का काम है। हम एक एक पेड़ में 20-20 किलो हम लोगों ने खाद डाली थी, तो ग्रोथ अच्छी पकड़ता है। पानी हमारे पास यहाँ पर अच्छा है। इसको ना हम लोग उत्तराखंड का पहला स्पाइस गार्डन बनाने जा रहे हैं। तो आप ये देखेंगे, जैसे लेमन ग्रास लगा हुआ है मतलब यहाँ पे जो है, ऐसे इसमें हमारे पास में कड़ी पत्ता हो गया, उसके अलावा हमारे पास ये छोटी इलायची, बड़ी इलायची, पार्सले, थाइम, चाइप्स, जीरा, जख्या, हल्दी, अदरक, ये तमाम तरह के जितने भी स्पाइसेस वर्ल्ड ओवर होते हैं, उसका हम छोटा मॉड्यूल्स इसमें मतलब लगाने वाले हैं। उसका कारण क्या है कि हम दो चीज़ों को एक साथ कवर कर रहे हैं, एग्रीकल्चर को कवर कर रहे हैं और साथ साथ में टूरिज्म को कवर कर रहे हैं। बिना खेती के हम लोगों का सर्वाइव करना मुश्किल है, इसलिए उसको कवर करना जरूरी है। आज की तारीख में पर्वतीय जिलों में अगर आप देखेंगे तो खेती पूरी तरह से उजड़ चुकी है, नाम मात्र की खेती बची हुई, वो भी शायद मुझे लगता है कि बहुत मजबूरी में शायद खेती हो रही है, कुछ लोग शौक है इस काम को कर रहे हैं। अदरवाइज अगर मैं जहाँ तक आप नज़र देखेंगे, आप लोग पौड़ी से कल चल के आए हैं, तो ज़्यादातर 90% से ज़्यादा एरिया वो बंजर और बीहड़ में कन्वर्ट हो गया है। अभी आप ये रास्ता, ये भी अगर देखिए, जैसे ये डोम्स हैं, तो ये भी आप देखो चारों तरफ पेड़ों के बीच में ये डोम हाउस हमने बनाया है। उसी प्रकार से अगर आप इस तरफ भी देखेंगे तो ये ऐसा नहीं था, यहाँ पे इस तरफ अगर आप ध्यान देंगे, ये यहाँ पर एक 25 फीट ऊंचा एक
एक चट्टान हुआ करता था, उस पूरे चट्टान को काट के हम लोगों ने इस तरफ भाड़ करके फिर ये तब जाके 6-7 हमने डोम्स यहाँ पे लगाए हैं। अभी आपको कुछ चीजें और दिखाता हूँ मैं, जैसे ये पत्थर है, ये पत्थर यहाँ पर थे नहीं ऐसे, ये मिट्टी के नीचे दबे हुए पत्थर थे, यहीं पर जब हमने मिट्टी की कटान करा, चट्टान का कटान करा, फिर उसी से हमने रिटेनिंग वाल लगा के तब जाके ये मिट्टी वगैरह हमने भरान करी है। हम लगभग 500 ट्रक से ज्यादा मिट्टी तो हमने सिर्फ यहाँ पर लेबलिंग वगैरह में ही करी है। तो धीरे धीरे करके जसगर अपने उसमें आने लगा, किसमें, फ्लो में आने लगी। अगर आज की तारीख में आप देखोगे तो मुझे लगता है कि लैंसडाउन में आने वाले जिन जिन लोगों ने भी जसगर देखा है या जो भी लैंसडाउन में आते हैं, उनका एक ड्रीम होता है कि हम एक जसगर में एक दिन मतलब यहाँ पर रहने का मौका मिले। फिर ये देखिए कि हमारे पास 6-7 जो डोम हाउस हैं, रात इंटीरियर मैंने आपको दिखाई दिया था। अगर आप पेड़ भी देखेंगे तो ज़्यादातर हम लोग अभी ये अभी जो फूल हमने लगाए हैं ये धीरे धीरे करके हम रिप्लेस कर देंगे। तो हमने अगर आप देखेंगे तो कहीं पर कड़ी पत्ता का प्लांटेशन करा हुआ है, कहीं पर अदरक का प्लांटेशन है, कहीं पर हमारे पास में हल्दी है, उसके अलावा हम तेज पत्ता हम लोगों ने लगाया हुआ है, हमारे पास छोटी इलायची यहाँ पर बहुत अच्छी ग्रो हो रही है, बड़ी इलायची हम ग्रो कर रहे हैं, तो एज ए स्पाइस गार्डन में हम इसको डेवलप कर रहे हैं। एक चीज़ मुझे आपसे पूछना, जिस तरह से 20 साल उत्तराखंड को बने हुए होंगे और पर्यटन यहाँ का एक सबसे बड़ा राजस्व का जरिया भी माना जाता है, उत्तराखंड सरकार को जो 20 साल में नहीं कर पाई वो आपने करीब 4 साल में करके दिखाया और व्यक्तिगत मेहनत से बिना किसी सरकारी जो मदद के, क्या संदेश आपका उत्तराखंड सरकार को रहेगा जो आगामी सरकार होगी? देखो उत्तराखंड सरकार को, देखो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जो काम उत्तराखंड सरकार कर गई है वो मैंने कर दिया है। हाँ, मैं इतना जानता हूँ कि मैं अपना सर्वोत्तम दे रहा हूँ, मतलब इस प्रदेश के विकास में, इस प्रदेश की समृद्धि में, ये प्रदेश में स्वरोजगार के सृजन के लिए जो मैं अपना रोल प्ले कर रहा हूँ वो मैं सर्वोत्तम कर रहा हूँ। हाँ, मेरी सरकार से कुछ शिकायतें जरूर हैं कि भाई सड़क आपका पार्ट है, सड़क तो सरकार बनाएगी ना, तो आप कम से कम हमें सड़क तो ढंग की दीजिए। आप झाड़ियां देखेंगे सड़क में, सड़कों में गड्ढे पड़े हुए, दोनों तरफ से झाड़ी आके मिलान हो चुकी है, जनप्रतिनिधि यहाँ पर सुनने को तैयार नहीं है। उसके अलावा दूसरी चीज क्या है, मैं आपसे पानी की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था और बिजली की व्यवस्था, मुझे लगता है कि उत्तराखंड को किसी भी रिजॉर्ट को या किसी भी होटल को या किसी भी काम करने वाले को ये तीनों चीजें कम से कम शुरुआत में तो फ्री में देनी चाहिए। फ्री का छोड़िए, पिछले 2.5 साल से हमें कनेक्शन नहीं मिल रहा है, कभी सिंगल विंडो सिस्टम के नाम पर, कभी किसी न किसी नाम पर हम लोगों को टाल दिया जाता है, एक चीज। दूसरा चीज मैं आपको एक नॉर्मल बात बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास में बहुत सुंदर नदी है, खो नदी है, पर्यटन यहाँ पर क्यों आ रहा है? वो जंगल के लिए आ रहा है, ग्रासलैंड के लिए आ रहा है, वो यहाँ पर नदियों के लिए आ रहा है, वो यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र के लिए आ रहा है, वो बर्फीली चोटियां देखने आ रहा है। अब उसमें इन तमाम तरह की चीजों पे आपने बैन लगाया हुआ है। आप मुझे ये बता दीजिए कि अगर दुगड्डा में स्थित खो नदी में अगर एक टूरिस्ट नहीं ना आएगा तो कौन ना आएगा, कौन जाएगा? जो आदमी हमारे लिए तो नॉर्मल, हम लोग तो नहाते ही हैं, लेकिन टूरिस्ट के लिए आपने बोर्ड लगा दिए। मैं आपको कल की घटना बताता हूँ। कल यहाँ पर वन विभाग का एक फॉरेस्टर आता है और वो मेरे गेट पर एक चश्मा कर जाता है कि कोई भी होटल वाला जंगल में कूड़ा नहीं फेंकेगा, कोई टूरिस्ट नहीं फेंकेगा, कोई टूरिस्ट फेंकेगा तो होटल वाले की जिम्मेदारी हो जाती है, होटल वाला अगर कोई वन्य जीव आता है तो हमें सूचित करेंगे। मैं, हम क्यों सूचित करेंगे उनको, हम क्यों, उन्होंने हमें ऐसा कौन सा अधिकार दिया है वन विभाग ने, या कौन सी वो हमें सुविधाएं दे रहे हैं या सरकार? और अगर नहीं करेंगे तो होटल वालों के खिलाफ इसमें वैधानिक जो भी कार्रवाई, मेरे गेट पर चिपका रखा है, मेरे रिसेप्शन पर चिपकाया हुआ है। आप ये बताइए कि आपके पास में ये जो लोग हैं, चाहे वो पुलिस है, वो चालान करने के लिए नदी में बिठा दिए, जंगलात वाले हैं, वो जो बोर्ड चश्मा कर रहे हैं वो होटल के गेट में कर, मैं गलत नहीं बोल रहा, मैं आपके अभी ये कल की बात बता रहा हूँ। इस प्रकार से टूरिज्म नहीं बढ़ेगा। अब उत्तराखंड के अंदर जितना भी टूरिज्म चल रहा है, जितना भी टूरिस्ट चल रहा है, वो सिर्फ इसलिए चल रहा है कि कुछ लोगों ने यहाँ पर हिम्मत करी है होटल बनाने की, कुछ लोगों ने इन विपरीत परिस्थितियों में रिजॉर्ट बनाने की हिम्मत करी है, और उन कुछ लोगों को आप किसी न किसी तरीके से परेशान करने जा रहे हैं बजाय सुविधा देने के। मुझे बोलने में कोई परेशानी नहीं है ना मेरा, मैं आपसे बताऊं, अगर मेरे से कोई भी आदमी, कोई भी जनप्रतिनिधि या उत्तराखंड सरकार का कोई भी नुमाइंदा मेरे पास में आता है तो मैं उसको तथ्यों के हिसाब से बता दूंगा, मुझे बताइए तो सही आपने मेरे को सुविधा क्या दी है। मेरे से संबंध शिवप्रसाद डबराल से नहीं है, शिवप्रसाद डबराल तो आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन उत्तराखंड प्रदेश रहेगा। उत्तराखंड प्रदेश में आने वाले समय में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, भाई मुझे लगता है कि सरकार को क्या करना चाहिए कि उत्तराखंड में पिछले 5 साल में या पिछले 2 साल में किस किस ने रिजॉर्ट बनाया है, किस किस ने साहसिक खेलों में, एडवेंचर स्पोर्ट्स में कोई ना कोई काम किया है, किस किस ने होटल बनाया है, या कौन कौन लोग यहाँ पर, उन लोगों को बिठाइए तो सही। आप ये ब्यूरोक्रेसी से, आप इन प्रशासनिक अधिकारों से बाहर तो आइए, तभी तो आपको पता चलेगा। वो तो लगे हुए हैं, उनको तो हर चीज पेपर में आपको अच्छा से अच्छा दिखाना है, लेकिन आप देखें तो सही बुरा से बुरा क्या हो रहा है, तभी तो आपको पता चलेगा। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं, तो मेरी शिकायत कुछ नहीं है, मैं इस संघर्ष को अपना एक, मुझे लगता है एक न एक दिन तो हम लोग सफल होंगे, एक न एक दिन हमारा प्रदेश बहुत समृद्ध होगा, लेकिन ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जिसके कारण से कि
यहाँ पर काम करने वालों को समस्या आ रही है, यहाँ पर काम करने वालों को। मैं आपसे बता दूं, मैं तीन चार चीजें बता दूं, मैं अगर छोटी सी बात बता रहा हूँ, एक उत्तराखंड का बेरोजगार, इस चीज को आप ध्यान से सुनिएगा, अगर एक उत्तराखंड का बेरोजगार किसी जगह में होटल बनाना चाह रहा है, वो कागजी कार्रवाई में ऐसे ज्यादा फंसता है, ऐसे उलझता है, तो उसका मूल उद्देश्य ही गायब हो जाता है। अब मैं अगर आपको जसगर रिजॉर्ट की बात करूं, तो अगर मैं इसमें बिजली का खर्चा, पानी का खर्चा और अगर उसका नक्शा पास करवाने का खर्चा जोड़ दूं, तो ये तीनों मिला के 40 लाख रुपए से ऊपर है। तो जो एक आदमी बेरोजगार है, अगर उसको इन तीनों सुविधाओं को जोड़ने में, मैंने बता अभी मैं सड़क पर नहीं जा रहा हूं, अभी मैं बिजली, पानी और नक्शा, ये तीन चार चीजें अगर मैं इन चीजों को मिला लूं, तो 40 लाख रुपए से ऊपर है। कोई 40 लाख रुपए किसी को अगर देने पड़ेंगे तो उत्तराखंड में काम क्यों करेगा? और जिस बेरोजगार के पास में 40 लाख रुपए होंगे तो बेरोजगार कहां से हुआ है? तो ये तमाम तरह की जो चीजें हैं, इसको सॉर्ट आउट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा। आप पूछे तो सही, कितने लोगों ने बिजली के लिए अप्लाई करा, आपने उनको बिजली का कनेक्शन दिया है नहीं दिया? आप पूछे तो सही, मेरे पास में उत्तराखंड सरकार के जो भी यहाँ पर जेई था जल संस्थान में, उसका लिखा हुआ लेटर है कि हम आपको पानी नहीं दे सकते, और पानी मात्र 1 किलोमीटर दूर है। मैं 2.5 साल से यहाँ पर वेट कर रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे पास में बिजली का कनेक्शन आ जाए, लेकिन बिजली का कनेक्शन नहीं मिल रहा है। और हमें जो डोमेस्टिक मिल रहा है उसमें भी वो कुछ ना कुछ परेशान करते रहे। तो मेरा बिजली विभाग से या जल संस्थान से या सरकार से, समाज से, किसी से कोई शिकायत नहीं है, पर मेरा एक ही संदेश है कि ये जो छोटी छोटी सी सुविधाएं हैं, इसमें किसी भी निवेश करने वाले को या किसी भी काम करने वाले को परेशानी नहीं हो, इसका सरकार को ध्यान देना चाहिए। बाकी तो हम कर ही रहे ना, हमें सरकार की जरूरत कहाँ पर है? मैं आपको बताता हूँ कहाँ सरकार की जरूरत है। जहाँ पर हम अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे, जहाँ पर मेरी सामर्थ्य खत्म हो जाती, वहां पर मुझे सरकार की जरूरत है। जहां पर मुझे बिजली के कनेक्शन में परेशानी है, मेरा डोमेस्टिक तो चल ही रहा है ना, मेरा कमर्शियल तो चल ही रहा है, लेकिन जहां पर मुझे कमर्शियल कनेक्शन चाहिए, वहां पर मुझे सरकार की जरूरत है। मुझे सरकार की जरूरत कहां पर है? यहां से लेकर और गेट तक अगर आप देखेंगे, चाहे मैंने पठाल का रास्ता बनाया, चाहे मैंने सड़क बनाई है, ये मैंने बिल्कुल प्रॉपर बनाया हुआ, लेकिन गेट से लेकर नीचे तक की जो सड़क है, तो सरकार का काम नहीं, मेरा काम थोड़ी है। सरकार की जरूरत मुझे वहां पर जहां मेरी सामर्थ्य खत्म हो जाती है, और जहां मेरे सामर्थ्य खत्म हो जाती है, मेरी सामर्थ्य की वृद्धि के द्वारा ही सरकार की भी समृद्धि है। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं, प्रश्न है, आने वाले समय में इन चीजों का भी होगा। बाकी मैं आपको थोड़ा नीचे एडवेंचर पार्क वाला हिस्सा दिखाता हूँ और क्या क्या चीजें यहाँ पे बनती है। आप ये देखेंगे कि जो भी ये जो जगह बनी हुई ना, हम यहाँ पर 40 से ज्यादा सिटआउट बनाने जा रहे हैं कि जहाँ पर टूरिस्ट अपना पिकनिक कर सकता है। भाई माना टूरिस्ट दिल्ली से आया, वो रूम में रह रहा है, उसको आउटसाइड क्या देना जा रहा है? एक तो ये कि नॉर्मल होटल है, तो हम क्या आउटसाइड में भी उसके लिए एक्टिविटीज लाने जा रहे हैं। ये हम लोगों ने एडवेंचर पार्क बनाया हुआ है, अगर आप इस तरफ देखेंगे, और ये जिप लाइन का हम लोगों का ये मेन स्टैंड है। यहाँ से हम अभी लगभग 120 मीटर की जिप लाइन यहाँ पर चलाते हैं, और इस वाले पूरे के पूरे पार्ट में आप देखेंगे तो बर्मा ब्रिज है, टायर ब्रिज है, वायर ब्रिज है, स्टेयर्स लगे हुए हैं, कमांडो नेट लगी हुई है, उसके अलावा टनल्स बनी हुई है। तो ये हमने बच्चों के खेलने के लिए एक पेड़ों के बीच में एक नेचुरल एक जो है एडवेंचर पार्क हम लोगों ने बनाया। तो इस टाइप से जो है प्रकृति को आप ये देखिए, मैं वही जो अगर आप पेड़ों की संख्या देखेंगे रास्ते में किसी भी जगह में, तो पेड़ों को बिल्कुल नहीं छेड़ा। ये जो है डबराल जी, ये क्या है, थोड़ा सा आप बताएंगे? ये एक्चुअली क्या है ना, मैंने आपको बताया कि मैं उत्तराखंड का पहला स्पाइस गार्डन बनाने जा रहा हूँ। मैं बेसिकली जब मैंने गोवा केरला की विजिट करी, तो वहाँ क्या कि जितने भी उनके पास में टूरिस्ट प्लेस हैं, उन जगहों में उन्होंने स्पाइस गार्डन बनाए हुए हैं। तो स्पाइस मुझे लगा कि उत्तराखंड को भी स्पाइस गार्डन की जरूरत है, कम से कम आने वाली पीढ़ी को हम कुछ चीज तो जानकारी दें। तो ये जैसा आप देख रहे हो, ये छोटी इलायची है यहाँ पे जो लगे हुए, ये एक पेड़ में लेके आया था, आज मेरे पास में लगभग 7000 पेड़ छोटी इलायची है। उसके अलावा अगर आप इधर देखेंगे, तो ये अगर आप इस वाले पार्ट में देखेंगे, तो ये हम लोगों ने बड़ी इलायची लगाई हुई है ये जो है। और इस साल मैंने आपको बताया कि हमने 250 पेड़ पिछले साल हम लोग देवदार के लाए थे, तो हमने इस बार उन जो पिछले साल के जो पेड़ थे वो इस बार हमने प्लांटेशन कर दिया, जो आपको 2-2.5 साल के पेड़ दिख रहे होंगे। अब अगले साल के लिए हमने ये पेड़ पहले से नर्सरी बना दी है, जो हम वन विभाग से पेड़ खरीद के लाए हैं सर, तो जो हम वन विभाग से पेड़ खरीद के लाए हैं, उन पेड़ों को अब हमने खाद के साथ कनस्तरों में भर दिया है। ये वो कनस्तर है जो हम रीयूज कर रहे हैं, जो हमारे किचन में खाली होते हैं, रिफाइन वगैरह तेल के जो है, अब उन कनस्तरों में हमने ये देवदार के पेड़ यहाँ पे लगा दिए। अगले साल तक जब 2-2.5 फीट के हो जाएंगे, तो जून के महीने में हम इनका प्लांटेशन कर देंगे। प्लांटेशन का जो सर्वोत्तम समय है वो जून का दूसरा हफ्ता होता है, तो जून में हमारे ये कि 22 जून से पहले पहले पेड़ अपनी जगह में लग जाने चाहिए। तो इस टाइप से हम लोगों ने ये करा हुआ। ये आपको बड़ी इलायची हो गई, ये पीछे अगर आप देखेंगे, पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे, इसमें ये हल्दी का प्लांटेशन है, उसके बाद में फिर अदरक है, फिर पार्सले, थाइम, चाइब्स, आपका जीरा, जखे, जो जो जैसे जैसे सीजन में जो जो भी मसाले होते हैं, वो सब तमाम तरह के मसाले हम लोग यहाँ पे मतलब यहीं पे ग्रो करते हैं।
उसके अलावा ये हमारा एडवेंचर पार्क है, अगर आप देखेंगे ये हम लोग एडवेंचर पार्क में कर रहे हैं। ये जैसे हमने ये सब हमने पेड़ों के बीच में लगाया हुआ है, इसमें हमने स्टील का काम कोशिश करी कि सबसे कम से कम हो। ये जैसे हम लोगों ने एक झूला लगाया हुआ है, उसके बाद में आप देखेंगे तो इस तरफ एक ये नेट लगी हुई है जिसमें बच्चे अपना खेलने का काम कर देते हैं अपना चढ़ के जो है। और उसके अलावा ये सामने जैसा रोप है, वायर रोप है, उसके अलावा जिप लाइन है, टायर रोप है, बर्मा ब्रिज है, कमांडो नेट है, उसके अलावा ये टनल्स हैं। ये थोड़ा जसगर में ये जो जमीन है इसमें क्या कि बड़ी बड़ी गुफाएं थी पहले, तो अभी तो हम लोगों ने बंद कर दी, लेकिन एक आध गुफा हम लोगों ने इसमें खुली छोड़ी हुई है। कुछ हमारी कोशिश ये कि हम केव हाउस भी हम यहाँ पर बनाएं। एक आप पीछे की तरफ देख रहे होंगे तो ये हमने पहाड़ी स्टाइल में होम स्टे के लिए बनाया हुआ है। इस टाइप से भी 13-14 कमरे हमारे बनने हैं। तो ये क्या है कि ये जो होम स्टे का हमने मकान बनाया है, किसी को लंबे समय के लिए रहना है तो इसमें हमने क्या करा है कि एक एक छोटा छोटा सा किचन भी दिया हुआ है, ताकि आने वाले समय में किसी को एक महीना दो, जैसे पिछले साल लॉकडाउन की स्थिति बन गई थी तो 5 परिवार हमारे यहाँ लगभग 32 दिन रहे, तो उनका एक अपना खाना बना रहे, अपना रह रहे हैं। इस टाइप से भी हम लोगों ने करा है। तो ये हो गया हमारे पास होम स्टे भी हो गया, डोम हाउस हो गया, रिजॉर्ट हो गया, और साथ साथ में हम एक होटल भी बनाने जा रहे हैं। इन तमाम तरह के बीच में हम एक एम्फी थिएटर बना रहे हैं जिसमें कि 500 से ज़्यादा लोग किसी भी इवेंट में इकट्ठा हो सकते हैं। आने वाले समय में हमें अगर उत्तराखंड में किसी भी प्रकार का कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना है तो हम एक हॉस्टल भी उसके लिए बनाने जा रहे हैं। तो हमारे पास में उत्तराखंड के विकास से संबंधित कोई भी अगर आपको एक्टिविटीज करनी है तो जसगर उसके लिए एक प्लेटफॉर्म का काम करने वाला है। तो इसलिए जसगर जो है एक होटल रिजॉर्ट नहीं बनना है, ठीक है हमने आज की तारीख में इसको होटल रिजॉर्ट नाम दिया है, लेकिन जसगर आने वाले समय में उत्तराखंड के विकास में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, जिसके लिए एक प्लेटफॉर्म का काम करने वाला है। तो आपको उस प्लेटफॉर्म पे जो जो भी सुविधाएं चाहिए वो सब कुछ आपको जसगर में मिलेगा। और आप इस तरफ देखेंगे कि हमने 12 मासी नींबू की नर्सरी तैयार करी हुई है। ऊपर देखेंगे तो आपके कालिया नींबू की हमने नर्सरी, इवन कुछ पेड़ों पर तो नींबू लगे हुए भी हैं, अभी जो अभी तो पेड़ों उसी में थैलियों में है। इसके अलावा इधर देखेंगे तो ये लगभग 400 पेड़ हम लोगों ने इस साल हमने बांस के ग्रो करे, तो नेक्स्ट ईयर ये पेड़ हम जो है जब ये 7-8 फीट के होंगे तो फिर ये जून के महीने में वापस प्लांटेशन में चले जाएंगे। आप अगर ऊपर ध्यान देंगे तो ये 35 फीट के हमने रॉक क्लाइंबिंग वॉल बनाएंगे इस जगह में। और इस तरफ अगर आप देखेंगे इस तरफ ये जो है, अगर आप आगे चलिए तो ये जो है ये हमने 40 फीट के रॉक क्लाइंबिंग वॉल हम लोगों ने ये बनाई है। उसके अलावा आपको पीछे की तरफ अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो 51 फीट के रॉक क्लाइंबिंग वॉल हम वहाँ बनाने जा रहे हैं। तो हमारा क्या कि जसगर में जो भी चीज़ पहाड़ में हो सकता है, आपका ट्रैकिंग, कैंपिंग, माउंटेनियरिंग, उसके बाद विलेज टूर, जंगल सर्वाइवल, जंगल कैंप, जंगल सफारी, ग्रासलैंड टूर, ग्रासलैंड की ट्रैकिंग, ग्रासलैंड की कैंपिंग, रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग, ट्री जुमारिंग, इस प्रकार की 50 से ज़्यादा एक्टिविटीज आपको सिंगल प्लेटफॉर्म में मिलेंगी। ये मेन जसगर है मतलब। तो आने वाले समय में ये टूरिज्म के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एक बड़ा रोल प्ले कर सके, उस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पर कोशिश करने जा रहे हैं। जी धन्यवाद देवराल जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। और उत्तराखंड सरकार को मैं अपने जागो उत्तराखंड के माध्यम से एक संदेश देना चाहूँगा कि जिस तरह से आपकी जो सरकारी योजनाएं हैं, जहाँ आप कागजी कार्रवाई में इतना ज़्यादा इंसान को लटका देते हैं जो काम करना चाहता है, तो आप उसे थोड़ा सा एक लचीला उस प्रक्रिया को बनाइए, ताकि जो आने वाले जो उत्तराखंड के विकास में जो लोग भी योगदान दे पाएं, या जैसे डबराल जी जैसे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, जैसे मूलभूत सुविधाएं इन्होंने बताया कि रोड की कनेक्टिविटी अगर अच्छी है तो पर्यटक को आने में भी कोई समस्या नहीं होगी। तो सबसे पहला जो मेरा यहाँ पे मैंने अनुभव किया, यहाँ पे सड़क की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और बिजली की व्यवस्था, जो सरकार की एक नैतिक जिम्मेदारी भी है, अगर आप यहाँ पहाड़ों में पलायन को रोकने की अगर बात करते हैं तो आपको इस पे काम करना पड़ेगा। सिर्फ आपके जो खोखले दावे हैं उनसे आपको बाहर निकलना पड़ेगा और हकीकत की दुनिया में आना पड़ेगा, और धरातल पे आपको इन जैसे लोगों की, जो आपने भगीरथ प्रयास किया है देवराल जी ने, उन जैसे लोगों की मदद करनी पड़ेगी। बहरहाल जागो उत्तराखंड के लिए जसगर रिजॉर्ट से अम्बेश पंत।